नमस्कार पीके जी किचन मारवाड़ी में थानो घणो घणो स्वागत है। तो आज ही वीडियो में मैं बहुत ही बढ़िया रेसिपी ले नहीं हूँ। तो आज ही वीडियो में मैं बताऊंगा थाने लोकीर बर्फी, यानी आल क्या करे इन्हें, खिया पी क्या करे, कई तरह नाव जाना आप इन्हें। तो इन बर्फी की कर कहीं बनावे वो मैं थान बताऊंगा। तो आप बाजार लावन बिर में बढ़िया टेस्ट आवे ले रो एकदम मावो नेक्यो जी में। तो देखो लोकीर बर्फी बनाने आज तक क्या क्या सामान चाहिए वो भी मैं थान बताऊँ। तो फटाफट शुरू करा बर्फी बनावनी। लौकी बर्फी बनाने वास्ते आ मैं देखो लौकी यानी आ ली हूँ आध किलो। तो आ घर ही आल है बढ़िया भाईड़ी काची है तुरंत आ रही है हाथे में। ये देखो काजू किशमिश लिया हूँ थान कन है तो नेको नहीं कोई जरूर नहीं है, है एक कोप में शक्कर लिए हूँ देखो है हाथे में। आधो कोप मिल्क पाउडर यानी दूध पाउडर आधो कोप थोड़ो कम है, छोटके चम्मच है नहीं जगह 5 चम्मच है इन हाथे देखो छोटके चम्मच है नहीं 2 चम्मच है नहीं घी है ज़्यादा नहीं है इन ओ है लीलो कलर लियो मैं यानी हरो कलर थानकन है तो नहीं को नहीं है जो भी बना सका कलर कोई जरूर नहीं है बढ़िया दिखण बात में कलर नहीं क्यों ओ है नहीं करीम रो है दूध यानी थोड़ी ऊपरली करीम भी नहीं क्यूड़ी मैंने 1 गिलास दूध लियूँ। अब आप क्या करो सामान एक पार रख एन इन बढ़िया है घिसनी है नहीं फूट रही ऊपर घिस है ना कद्दूकस कर ले। तो देखो आ मैं घिसनी ली हूँ एन इन बढ़िया छिलका उतार दे लोकीरा एन बढ़िया धोई ली हूँ। अब देखो छोटे छोटे टुकड़ा करिए ताकि हो रही घिसी जाए। अब देखो देखो मैं घिसनी ली हूँ इन महीने नहीं बढ़िया आप कद्दूकस कर ले महीने। तो देखो वो मैं कद्दूकस कर ली हूँ बढ़िया घिसन। अब ये महीने वो फाणी है नहीं जो को अपन निकाल दे देखो यूँ जोर कर रहा जना अपन थाली में एक पाड़े नहीं वो फाणी निकल जी देखो यूँ हाथ में ले यूँ जोर कर रहा देख निकले नो एक पाड़े बस वो आप निकाल देना है। तो देखो वो थोड़ा पानी निकलियो है तो इन आप एक पाड़े काट दे वहाँ गैस चालू कर एन में कड़ू ले लियो हूँ अभी इन महीना पाए नहीं वो घी गाल दे वहाँ। तो देखो अपन घी हाव कम घी जरूरत है कम घी में भी बढ़िया बनते हैं जो हलो नहीं नेकड़ो। तो देखो अपन घी भी गर्म है लाग है अब इन महीना पाओ आल रो कद्दूकस करी ना हाल जको नेक दे। तो देखो इन महीने नहीं कद्दूकस करी नहीं जगह अगले आल में नेक दी हूँ। अब आप थोड़ो है नी गैस की टाइम है थोड़ो मतलब मीडियम रखा यानी नहीं तो कम नहीं ज़्यादा यानी बढ़िया हिला आप ताकि घी में नहीं बढ़िया अपने आलो के नहीं जैकि बढ़िया मिल जावे यानी आल। तो आ देखो मैं नहीं इन बढ़िया है नहीं घी में हिलाई ली हूँ। अब आप क्या करा इन है नहीं 2 मिनट है नहीं ढक दे एन पर छिजन देवा ताकि ढक हुए नहीं अपन है आ कवड़ी पड़ जी नहीं जाए 2 मिनट है गए। अब अपन ढक्कन उगाड़ ला तो थोड़ी थोड़ी कवड़ी पड़ी है अपने लौकी तो इन बढ़िया हिलाई ला पा। तो देखो 2 मिनट पच अब अपन का करना है अब इन महीने नहीं आप दूध गाल दे वहाँ। तो देखो मलई रो दूध है बढ़िया मलई है ऊपर है इन आप बढ़िया हिलावा इन हाथे इन अब आप शक्कर गाल दे ताकि शक्कर और दूध हाथे ही जैन इन महीने लोग बढ़िया जा पच इवें पच नहीं खानी जन पानी छोड़ दे इन वास्ते हाथी अपन शक्कर नेक देवनी है। अपा इन बढ़िया हिलाई है देखो मिक्स कर ला यानी भेड़ ला एक में एक हगड़ो भेड़िया पच। अब अपन का करना है थोड़ी गैस रे आँच है नी यानी भूकम कर देवनो है ना पाई ढक दे है ना पाई इन्हें नहीं कम से कम 4-5 मिनट है नी इन हिजन दे वहाँ हैं पीछे नहीं एक दो बार चेक भी कर रहे नहीं है एक दो बार चेक कर लेना है। तो आप वो ढक दे 4-5 मिनट इन हिजन दे वहाँ। तो देखो मैं नहीं 4 मिनट हिजो ही नहीं जना नहीं ये मैं का सफाणी हो जन मैं और इन्हें नहीं 3 मिनट और हिजो ही ने जनो देखो हाव कम पड़ गया है अभी मैंने नहीं आप नहीं काजू लिया नहीं पिस्ता यानी किशमिश लिया ने जगह नहीं दे वहाँ एने बढ़िया मिलाए एन हाथ ही आप नेक दे अपने दूध आल पाउडर यानी मिल्क पाउडर है अब इधे बढ़िया हिलाई दे इवें कि मिल्क पाउडर नेकणू ये एकदम कोजन आप मावो नेक्यो नहीं जीव लागे आप बाजार लावा नहीं बिनी लार छोड़ दी अपना बर्फी
तो देखो इन्हें भी आपको बढ़िया मिला ही ले हम। तो देखो एक मिनट है नहीं आप दूध वाला पाउडर यानी मिल्क पाउडर नहीं भी हिजो ही लियो। अभी इनमें ही ना पकाई करा थोड़ो के यानी अपन देखो वो चम्मच है नहीं जो ये छोट के वो छोट के चम्मच जो लारू है नहीं आप इनमें ने थोड़ो कलर नेक दे वहाँ बस एक चिमटी इन ज़्यादा अपन नहीं नेकनो है इन आप बढ़िया मिलाई ले वहाँ ताकि अपन है नहीं पूरा कलर फूट रही बढ़िया अपने लौकी मिल जाए बस। तो देखो अपन कलर एकदम बढ़िया लौकी आए गए एकदम हरो हरो कलर इवे अपना लौकी हिजे नहीं जन इर कलर फीको पड़ जाए करे इर वास्ते में कलर नहीं क्यों हूँ ते चाहो तो दूजो कलर भी नेक सको चेड़ो कलर पसंद है बेड़ो नेक सको। अब आप गैस कर दें बंद यानी इन बढ़िया मिलाए एन बस तैयार है मिलाई लियो। अब आप ये कोई बर्तन में निकाल लें थाली या प्लेट कोई में भी निकाल लें वहाँ तो देखो मैं ये बर्तन में निकालूँ यानी इनमें इन पहले मैंने घी लगाई ड्राई क्यों वो काम था पहले कर दे उन्होंने इन बढ़िया घी लगाए लेना है इनमें ना पाओ है नी हगड़े गाल लें वहाँ। तो देखो यूँ अपन गाल दे उन्होंने ये चम्मच यूँ आप कर ले वहाँ ताकि चारों मेरा पान बढ़िया फैल जाए बढ़िया बर्फी बन है तैयार वे जी। तो हगड़ों में गाल लियो हैं इन बढ़िया चम्मच यूँ कर लिया वहाँ हैं हाँ वो रवे। तो देखो पूरा चम्मच कर लियो हैं और फूट रही हूँ कर लिया वहाँ बस। अब आप पकाए कर इन ठंडी है नहीं जन आप काटा ठंडा है होता नहीं मैं इन कम से कम आधो घंटों हल्लो ज लागे कम नहीं लागे आधो घंटों तो लागे लागी। तो देखो आधा घंटा में बढ़िया ठहर एन बढ़िया वेगी एन पचे नहीं 15-20 मिनट पच में ठरी नहीं जन में थोड़ी फ्रिज में रख दी जन और बढ़िया ठहर गई है। अब आप बढ़िया काट लाए इन्हें कटिंग तो कैडी मतलब कर सको लंबी चौड़ी। तो देखो मैं इम कतरूँ यूँ आप बढ़िया कतर ले इन्हें यानी काट ले वहाँ। तो आ देखो एकदम है नी लौकी बर्फी बन एन बढ़िया तैयार है अन्ना बढ़िया बनी है देखो हैं एकदम कवली कवली बनी है स्वाद जेड़ दिखे नी बेड़ो बढ़िया स्वाद है। तो खाओ और बढ़िया घर वाला ने खिलाओ हैं ई दीपावली पर फटाफट बनाओ बहुत बढ़िया मिठाई है हाँ। तो देखे थे लौकी बर्फी बन एन बहुत ही बढ़िया तैयारी हुई एकदम अलग एकदम बहुत ही बढ़िया स्वाद आयो क्योंकि आप इनमें मिल्क पाउडर नहीं क्यों इर वास्ते। तो देखियो घना के सामान जरूरत है कोनी तो लौकी तो अपने इवें के की भी मौसम में मिल जाए करे तो फटाफट बनाओ और खाओ और घर वालों खिलाओ। तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि गाँव वाले महीने हर लुगाया हर छोरिया ये दीपावली बढ़िया बढ़िया एड़ी बर्फी बनाए खा सके और खिला सके घर वाला ने। मिला पा एक और बढ़िया एड़ी नई रेसिपी रहते जीते धन्यवाद।